कॉम्पिकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के कृष्णा सुराणा ऑडिटोरियम में शनिवार को ई गवर्नेंस इश्यूज चैलेंजेज एंड प्रोस्पेक्ट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वित्त आयोग की अध्यक्षा डॉ. ज्योति किरण भी शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉ. राजीव गुप्ता भी मौजूद रहे। आप जैसे यंग टीम, जैसे हमारे यहां एमएनआईटी है, आपके यहां पे कॉम्प्यूकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, इस तरह के हमने इंस्टीट्यूट छांटे देश में। उनको कहा कि आपके यहां कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने का जिस लड़के को ज्ञान है उसको भेजिए। अभी मैं बनारस जाकर आया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हैकाथॉन में, और क्या था उसमें मैंने देखा, 42 टेबल पे एक टेबल पे 6 लड़के। एक तो जिसमें हमने ये तय किया था कि हर टेबल पे एक लड़की जरूर होगी, लेकिन एक टेबल ऐसी देखी जिसमें 6 की 6 लड़कियां थी। कि अगर विकास एक ई क्रांति है, अगर विकास केवल एक नारा नहीं और जन आंदोलन है, तो इस विकास के वाहक केवल सरकार और उसके नुमाइंदे नहीं है, इस विकास के वाहक आप सब हैं। एंड टू द टाइम and these seminars are there to make your skills for this particular purpose. अगर वाहक बनना है तो खुद को स्किल्ड करना होगा। आप सब सपने देखते हैं, लेकिन एक बड़े भारत का, एक मजबूत भारत का, एक नए भारत का सपना भी अपने सपनों के साथ जोड़िए। फास्ट हो चीजें, पिलफरेज रुके, उसी का एक प्रकल्प आधार है जिसमें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि इससे कहीं प्राइवेसी का हनन तो नहीं हो रहा है, दैट्स अलग मुद्दा है, लेकिन आधार इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। कैसे बायोमेट्रिक और कहां, यहां का बंदा केरल में भी चला जाए और वहां पर भी अंगूठा लगाएगा तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि बिजली की स्पीड तो 1,86,000 मील प्रति घंटा है, तो वहां तो क्या पता चलना है, वहां से यहां आने में कितनी देर लगेगी, फाइल को जरा घुमा के देखो, बढ़िया से बड़ी कोरियर से भी वो कितनी देर लगेगी। तो ये है मजा ई गवर्नेंस का। जो लोग अप्रोच करेंगे या मतलब जो डिले करेंगे, मतलब वो जो जिनको नॉलेज नहीं है, वो हमेशा ये मैं मानता हूं कि जो गलती करता है वो केवल अज्ञानता के कारण करता है, क्योंकि यदि उसे नॉलेज है तो वो सबसे पहले डिसीजन लेगा। जो डिसीजन पावर और से जो काम करने की क्षमता है वो ई गवर्नेंस से बहुत कुछ बढ़ेगी और लोगों को आगे समझने में भी अच्छा लगेगा कि हम लोग एक अच्छे